गुरु गोविंद दो खड़े क्या बात यही यही गुरु गोविंद दो खड़े गुरु गोविंद दो खड़े जो गोविंद दियो बतला कहते हैं स्वर की देवी शारदा मेरे कंठ पधारो हाथ जोड़ विनती करूं ओ मैया राखिए मेरी माँ। बोली सच्चे दरबार की जे? दो शब्द रखूंगी। बड़े नाच कर मना रही थी, झूम कर मना रही थी, अब भाव से मनाइए। देखिए जब तक इससे कहोगे नहीं ना ये सुनने वाला नहीं है, जब तक बुलाओगे नहीं ये आएगा नहीं, जब तक खिलाओगे नहीं ये खाएगा नहीं, जब तक इसके सामने कहोगे नहीं ना ये करने वाला नहीं है। क्योंकि आपको बता दूं, जब द्रौपदी वस्त्र हरण होता है और जब दुशासन उसका चीर पकड़कर खींचने लगता है उस द्रौपदी का, तो द्रौपदी हाथ जोड़ती है कि दुशासन मेरा वस्त्र हरण मत कर। जब द्रौपदी ने साड़ी मुंह में लगाई है, सबकी ओर देख रही है, पितामह मुझे बचाएंगे, धृतराष्ट्र पिताजी मुझे बचाएंगे, ये सब लोग जो बैठे हैं, विदुर महात्मा मुझे बचाएंगे, लेकिन जब कोई बचाने नहीं आया, अब द्रौपदी ने अपना साड़ी का पल्लू अपने मुंह में लगाया कि मैं अपनी रक्षा खुद करूंगी। जब द्रौपदी ने पल्ला मुहमर लगाया और जब दुशासन चीर खींच रहा है, अब द्रौपदी के बस की बात नहीं रही, अब कहा, और जब द्रौपदी के बस की बात नहीं रही और द्रौपदी ने दोनों हाथ खड़े कर लिए के बाके बिहारी गिरधारी, अब मेरे बस की बात नहीं, अब तो आजा प्यारे बस एक बार लाज बचा जा। उसी समय गिरधारी आ गया और साड़ी इतनी जोर से पल्लू इतना सारा साड़ी इतनी दे दी कि सब सभा में देखते हुए दंग रह गए। एक बार गिरधारी की जय बोलिए, बोले बाके बिहारी लाल की। तो ये है, ये होती है जब तक कहोगे नहीं। और अभी मेरे गुरुजी गा रहे थे, बड़ा सुंदर गाया, और जब तक मैं इनकी उम्र पे आऊंगी ना तो मेरा तो मुझे लगता नहीं है कंठ भी चलेगा, इतना सुंदर गा रहे थे। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाइए, गुरुजी खड़े हैं। ऐसे गुरु दुनिया में बड़े महान होते हैं। बोली सच्चे दरबार की जय। कहते हैं भक्तों, दुख जो गम की कतार देता है, दुख जो गम की कतार देता है, जिंदा लोगों को मार देता है। दुख जो गम की कतार देता है और जिंदा लोगों को मार देता है, ए भक्त मांग ले मेरे सांवरे सरकार से, इतना दयालु है कि जिंदगी भी उधार देता है। गुरुजी ने कहा था ना, लेने वाला चाहिए, बाबा देगा क्यों नहीं। कहते हैं, तेरे दरबार से सीखा मैंने गम में मुस्कुराना। गुरुजी, तेरे दरबार से सीखा मैंने, तेरे दरबार से सीखा मैंने गम में मुस्कुराना, मुझे मिटा ना पाया ये गर्दिश जमाना। तेरे दरबार से सीखा मैंने गम में मुस्कुराना और मुझे मिटा ना पाया ये गर्दिश जमाना। अब बाबा मुझे तेरे चरणों से मुझे मोहब्बत हो गई है, क्योंकि मेरे हक में आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। इसीलिए कहते हैं करुणा के
भक्त बाबा को बुलाता था, बाबा नहीं आए, बार बार बुलाया, और एक दिन ऐसा आया कि वो बाबा दर्शन देके उसकी कुटिया में आ गए, और भक्त और भगवान की बोलिए जय। जब बाबा आए हैं और उसने बाबा को सामने बिठाया और कहने लगा, बाबा प्यारे मेरे ऐसे भाग नहीं जो तू मेरे घर आता, तूने पता नहीं कौन से कर्मों की मुझे फल दे दिया जो आज बाबा मेरे घर आ गए। और कहने लगा भक्त, करुणा के सागर ने करुणा दिखाई, मेरी झोपड़ी तो ऐसे जगमगाई। कैसे जगमगाई? कहने लगा क्या, उजड़े जमी पे जैसे चांद और तारे, मेरी झोपड़ी में बाबा जी पधारे। उजड़े जमी पे जैसे चांद और तारे, मेरी झोपड़ी में चांद पधारे। आ जाओ सावरे, आ जाओ, हो सकता है प्रहलाद को एक खंभे में से दर्शन हो सकता है तो हमें क्यों नहीं हो सकता। इसीलिए दोनों हाथ उठाइए, कोई हाथ ना बाकी रहे, कोई हाथ ना बाकी रहे, कहिए क्या, अरे आ जाओ सावरे। अखियों से बहते हैं आंसुओं के धारे, अखियों से बहते हैं आंसुओं के धारे, मेरी झोपड़ी में बाबा जी पधारे, मेरी झोपड़ी में बाबा जी पधारे। क्या बात है मीरा ने
पिछले जन्म का कोई मुझे फल मिला है, पिछले जन्म का कोई मुझे फल मिला है। आप बैठे हो ना, ये आपके पिछले कर्मों का फल है। लोगों का जीवन बीत जाता है, भजन सुनने को नहीं मिलते, काम में जीवन चला जाता है। ये तो बड़े नसीब है आपके, बड़े सौभाग्यशाली हैं आप, बाबा का सुमरण सुन रहे हैं। बाबा ने बड़ी कृपा की है आप पर, हम मुझ पर, गुरु जी पर। इसीलिए ध्यान से सुनिए, भाव से कि बाबा पिछले जन्म के तेरे कर्म हैं, जब तो मुझ पर कृपा करी है। नहीं मेरी औकात क्या कि तेरी कृपा मुझ पर हो जाती। कहने लगा बाबा, पिछले जन्म का कोई मुझे फल मिला है, पिछले जन्म का कोई मुझे फल मिला है। बाबरा ये मन मेरा चमन सा खिला है, बाबरा ये मन मेरा चमन सा खिला है। और बाबा, जो तू मेरी झोपड़ी में आया, मेरी किस्मत के भाग खुल गए, मेरी किस्मत के सितारे जाग गए। बाबा कहने लगा, क्या किस्मत के मेरे चमके सितारे, किस्मत मेरी